हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समय स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आने में 2 महीने का समय बचा है, तो इस 2 महीने के अंदर किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाया जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखो कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बोर्ड एग्जाम में, 12th का हो या फिर 10th का हो, तो मैंने उस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है ताकि अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर किया जा सके। अगर आप इस वीडियो को अभी नहीं देखें तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक चीज़ आप जान लो कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही महत्व रखता है लाइफ में, क्योंकि देखो आप बोर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो या फिर 10th का हो या फिर 12th का। अगर 10th का क्वालिफाई करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि साइंस साइंस से पढ़ें या कॉमर्स से, या कॉमर्स लूँ या फिर मैथ लूँ या फिर आर्ट्स लूँ, ठीक है। तो वो आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर ले सकते हो। रही बात 12th की, 12th का पहले आपको फोकस, मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको अभी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, आपको फोकस करना कहाँ, बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर ही फोकस करना है। उसमें आपको ये कार्य करना है कि अच्छा से अच्छा नंबर कैसे लाया जा सके, और हार्डवर्क तो ज़रूरी है, हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। क्योंकि एक कहावत कहा गया है कि हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क मैं खुद से इसको ऐड कर रहा हूँ, देखो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क। मतलब कि जब हार्ड आपका टैलेंट जो है, मतलब किसी भी स्टूडेंट के अंदर या किसी भी बंदे के अंदर अगर टैलेंट है, अगर उस टैलेंट का वर्क नहीं करता है, उस टैलेंट का मतलब टैलेंट वर्क नहीं करता है, तो उस टैलेंट को हम लोग पिछाड़ सकते हैं। कौन पिछाड़ सकता है, जो हार्डवर्क करता है या फिर स्मार्ट वर्क करता है। तो हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। जैसे आप चाकू होता है ना, नाइफ को जितना आप यूज़ करोगे वो उतना शार्प होता है, इसी प्रकार आप ब्रेन को जितना यूज़ करोगे, जितना भी पढ़ाई करोगे आप, तो ब्रेन आपका क्या होगा, यूज़ होगा, उतना ही आपका ब्रेन क्या होगा और ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख के आपको वर्क करना है। देखो 2 महीने का समय बचा हुआ बोर्ड एग्ज़ाम को आने में। देखो बोर्ड एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं सब भूलता जा रहा हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको अपना रेगुलर पढ़ाई करते रहना है, और ये जो 2 महीने का समय है, इस ऐसे समय में आपको कुछ गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे कि आपको उन लोगों से नहीं मिलना है, जैसे जो लोग होते हैं ना खुद अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि मेरा सब सब्जेक्ट तैयार हो चुका है, मैं सबसे अच्छा नंबर ला दूंगा, ठीक है। तो आपको उनके ऊपर नहीं देना है, आप उनके ऊपर अगर ध्यान दोगे तो आप अपने आप को सोचोगे अरे मेरा तो कुछ तैयारी नहीं हुआ है, इसने तो बहुत कुछ तैयार कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, ठीक है। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बस मान लो ट्यूशन में जाते हो तो ट्यूशन जाना है आपको, चुपचाप से पढ़ाई करना है, जो भी कन्फ्यूजन है आपको सर से डिस्कशन कर लेना है, उसके बाद घर आके आपको सेल्फ स्टडी करना है। ये जो 2 महीने का समय है आपको, इसमें सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्टडी, जैसा कि मैंने बता रखा है, तो आप इसको ध्यान रखना है। और एक चीज़ जान लो आप कि कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो आप, तो उसको आप टेस्ट के जरिए आपको खुद से आपको उसका जांच करो, ये नहीं कि मान लो ट्यूशन में सर टेस्ट लेंगे तो ही मैं टेस्ट दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप घर पर भी मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो केमिस्ट्री का है, मान लो आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर को पहले एक बार रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने के बाद उसको करना क्या है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रीवियस के पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उसको आपको एक पेज पे लिखना है सिंपल सा, ओके। और उसके बाद आपको नोट्स बुक वगैरह सब बंद करके एक टाइमिंग सेट करके उसको सॉल्व करने का है, खुद से सॉल्व करने का है, उसके बाद नोट्स से उसको मिलाने हैं कि कहाँ मैंने मिस्टेक की है। आपको देखो जो सही किया है उस पर मार्क्स नंबर नहीं देना है, बस आपको ये चेक करना है कि मैंने कहाँ गलती की है, उस गलती को पकड़ना है और उस गलती को सुधारना है, ठीक है। अब बात आती है